नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने 22 सूत्री मांगों के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर दिया धरना। बताते चले कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी ने अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। धरने का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री एवं वाराणसी के जिला अध्यक्ष शशांक कुमार पांडे उर्फ शेखर ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों की तमाम समस्याएं वर्षों से लंबित हैं, जिनके समाधान के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय हर बार टाल मटोल का रवैया अपनाते रहे, जिसकी वजह से शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों में भारी आक्रोश है। इसी वजह से प्रदेश नेतृत्व ने पूरे प्रदेश में एक साथ महानिदेशकों के खिलाफ सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देने का कार्यक्रम तय किया था, जिसके क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री एवं वाराणसी के जिला अध्यक्ष शशांक कुमार पांडे उर्फ शेखर, महामंत्री आनंद कुमार सिंह, कार्यकारी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रकाश सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बरसों बरस की तपस्या का परिणाम तब मिलेगा जब लगातार नवंबर से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो धरना लगाने वाला है, हर उस धरने में आप बड़ी संख्या में होंगे, हर उस धरने में आप अपने लहू को पसीना बहा के बहाएंगे, तब जाकर पुरानी तंत्र मिलेगा। हाथी की लाठी ऐसे कोई दिनों को तैयार नहीं है। मैं आप सभी से किसी आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि जिलाध्यक्ष के नाते मुझे अच्छा शीर्ष बोधन देना, आप मुझे बोलना ही नहीं देखा, लेकिन महामंत्री जी का आग्रह था इसलिए मैंने बोला। तो मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 2 बजे से पहले कौन जाने वाला है इस धरने से, हाथ उठाए। 2 बजे से पहले कौन जाने वाला है इस धरने से, हाथ उठाए। पसीना बह गया है और आपको ठंडक भी लग रही होगी, पंखा लगवा देता तो आपको न्यूमोनिया भी हो सकता है, इसलिए पंखा नहीं लगवा। लेकिन मुझे पता था कि ठंडा होने के बाद पसीना होने का न्यूमोनिया के चांस रहते, तो गर्मी झेल लीजिए। आपके शरीर के चैन बाहर निकल रहे हैं और महानिदेशक ने जितना चैन बोया है उस जैन को हमें निकालना है, महानिदेशक को विदा करना है। और मेरा वादा, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग का 22 सूत्रीय मांगे हैं शासन और शिक्षा महानिदेशक से, जो काफी समय से हम लोग इसके लिए मांग करते रहे हैं, लेकिन हम लोग को मांग को अनदेखा करता रहा है शासन और महानिदेशक। तो आज हम लोग पूरे प्रदेश भर में जितने भी जिले हैं, सारे जिले बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, वहाँ हमारा धरना प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और हमारा 22 सूत्री मांग है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम अगला 11-12 जुलाई में फिर करने वाले हैं लखनऊ में। और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या लगता है कि पुराने पेंशन बहाली को लेकर अपने चुनाव में मैनिफेस्टो में अपने आप रखेगी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन को लागू किया है कांग्रेस सरकार ने, तो हमें नहीं लगता कि भाजपा सरकार चाहेगी कि कांग्रेस अपने सारे प्रदेशों में लागू कर दे पुरानी पेंशन को और भाजपा शासित प्रदेशों में ये कानून न लागू करे। हमें तो ऐसा नहीं उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और पुरानी परंपरा वाली जो शिक्षक पेंशन योजना थी वो बहाल की जाएगी। चलिए, सरकार बनाने और गिराने में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में क्या उलटफेर करेंगे? बिल्कुल, सरकार क्या सब लोग जानता है कि शिक्षक ये हमारे समाज का आईना होता है, जो उनका एक अहम भूमिका होता है सरकार बनाने में, तो सरकार को बिगाड़ने में और उखाड़ने में भी शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हमें नहीं लगता कि कोई शासन प्रशासन चाहेगा कि हम इनके मुद्दों को अंतर को देखते विहीन करके शासन में। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक